हेलो फ्रेंड्स, इजी टू ग्रो गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एयर प्यूरीफायर प्लांट के बारे में। ये इतना अच्छा प्लांट है, अगर आपके घर में कितनी भी गंदगी हो, ये गंदगी को साफ कर देता है। और ये इतना अच्छा है, हफ्ते 10 दिन में भी इसको पानी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बढ़िया प्लांट है, इसे ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करो। अगर बालकनी में थोड़ी सी भी जगह है तो भी ये आप लगा सकते हो। इसका नाम स्नेक्स प्लांट है, इसका नाम स्नेक्स है, तो आप ज़रूर लगाओ। नर्सरी में आप जाना तो बोलना स्नेक्स प्लांट दे दो हमें। देखो ये कितना अच्छा है, ये पूरा फैला था, देखो बांध रखी हूँ मैं, तो इसे ज़रूर लगाओ। ये बहुत अच्छा प्लांट है और देखो ईजी लग जाता है ये। अभी दिखाती हूँ मैं, पहले फ्लावरिंग देख लो, कितना अच्छा हमारे गार्डन में फ्लावरिंग हो रहा है ना। ये देखो, आप कभी भी हमारा गार्डन देखना, आपको हमेशा भरा ही मिलेगा फूलों से। इतना मैं इनका देख रेख अच्छा करती हूँ ना कि ये हमेशा भरे ही रहते हैं फूलों से। देखो कितना अच्छा हो रहा है ना, जैसे जंगल बना दिया मैंने। ये देखो कितना प्यारा हो रहा है, देखो पूरा भरा पड़ा है। ये देखो बेबी सनरोज तो पूरा नीचे तक आ रहा है। ये देखो कितना अच्छा खिल रहा है ना बेबी सनरोज, ये रहा, बहुत अच्छा खिल रहा है। तो इसको कैसे लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। इसमें से आप प्लांट निकाल लो आपको लगाना है तो, या तो इसके पत्ते से भी ये लग जाता है। अगर पत्ते से भी लगाओगे तो भी लग जाएगा। तो मैं लगा के आपको दिखाती हूँ कैसे लगाते हैं। देखो जैसे कि मैंने ये ले लिया, ये मेरे पास रखा हुआ था, अभी गमले खाली नहीं हैं क्योंकि सीड लगा रहे हैं तो सीड के लिए बहुत गमले चाहिए होता है। देखो बस ये इसी में से निकाली हूँ मैं। अब मैं देखो ये इसमें ऐसे करके लगाऊंगी, ये देखो, और इसमें मैं मिट्टी ऐसे करके डाल दूंगी। गिर गया, ये देखो, बस कुछ भी नहीं करना, अब ये प्लांट लग गया। अब लगाने के बाद में आपको क्या करना है, ये देखो ये लग चुका। अब आपको क्या करना है, बस इसी गमले के अंदर इसको ऐसे करके रख दो। जब आप इसमें पानी डालोगे ना तो फिर इसमें भी पानी डल जाएगा और ये आपका एक अलग से प्लांट तैयार हो जाएगा। और इसी में से फिर नन्हे नन्हे बेबी निकल आएंगे, जैसे कि देखो इसमें निकले हुए हैं। देखो ये देखो कितने सारे हो गए हैं ना, ये देखो एक लगाओ ढेरों हो जाएंगे, ये देखो बहुत सारे हो गए हैं। और लगा के एक कोने में इसको रख दो, आपके पास ढेर सारे हो जाएंगे। तो ये देखो ये पत्ता भी लगा रखी हूँ मैं, तो पत्ते से भी हो जाता है, ये देखो पत्ते से भी निकल आएगा। अरे कितना प्यारा लग रहा है ना, ये देखो बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें का छोटा भी होता है और बड़ा भी, ये बड़ा वाला है, ये बहुत बड़ा जाएगा। अभी तो ये छोटे छोटे से हैं, बहुत बड़े हो जाएंगे। दूसरी तरफ मेरे पास रखा है, बहुत बड़े बड़े हैं वो, ये देखो कितना बड़ा हो रहा है ना। कहने का मतलब यही बड़ा है अभी, ये छोटे हैं, ये हो जाएंगे बड़े, खूब सारे हो जाएंगे। ये भर जाएगा पूरा गमला, ये तोड़ देगा, इतना भर जाएगा। ऐसे ज़रूर अपने गार्डन में लगाओ, बहुत इजी लग जाता है। कहीं से भी आपको एक पत्ता भी मिल जाए, एक कटिंग मिल जाए, या इसी तरीके से मिल जाए जैसे मैंने लगाया है ये, अगर ऐसा भी मिल जाए तो बस लिया के ऐसे मिट्टी में दबा दो और दबा के किसी गमले के अंदर रख दो और ये खुद ब खुद लग जाएगा। अगर आपके पास बालकनी में थोड़ी सी भी जगह है तो भी इसको जगह ज़रूर दो, बहुत अच्छा प्लांट है। और देखो बोगनवेलिया में फ्लावरिंग कितना अच्छा हो रहा है ना, बहुत अच्छा फ्लावरिंग हो रहा, पूरा भर के आ रहा है। तो इसे भी ज़रूर लगाओ, ये कटिंग से ही लगा रखी हूँ मैं। अगर मेरे चैनल पे आप पहले से हो तो आपको पता होगा ये मैंने कटिंग से लगा रखा है, इसकी वीडियो मैंने डाल रखा है। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, दिल खुश हो जाता है देख के इन्हें। और ये हटाने में देखो ये फूल टूट गए, ये इधर के साइड रखा था तो मैं हटा के इधर करी हूँ अभी, तो ये टूट गया तो मैं यहीं पर डाल दी इसको। इसमें से झड़ा नहीं है, मैंने डाला है इसको, टूट गया तो कितना प्यारा लग रहा है ना। तो हम
गार्डनरों को ना फूल बहुत पसंद आता है, और टूट जाता है ना तो फिर उसे उठा लेते हैं हम, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। हम फूल अपने से नहीं तोड़ते फ्रेंड्स, हम अपने से फूल नहीं तोड़ते, हमें नहीं अच्छा लगता तोड़ना, क्योंकि हम इन्हें लगाते हैं ना, देखो एक फिर टूट के गिर गया। जो पौधा लगाएगा ना उसको फूल तोड़ना अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है बस इसी पेड़ पे ही लगा ही रहा है पौधे पे। तो कटिंग से लगाओ, खूब सारे आपके पास हो जाएंगे। देखो मेरे पास एक ये लगा हुआ है और दूसरी तरफ लगे हुए हैं, वाइट कलर का भी है, पिच कलर का भी है। और इसकी देखो रिपोर्टिंग करी थी, ये वाइट गमला जो दिख रहा है ये वाला, इसमें भी लगा रखी हूँ, इसमें भी मेरे 3 कटिंग लगे हुए हैं, रिपोर्टिंग करी थी इसकी। ये तो कई साल का पुराना हो गया है, अब इसमें भी फ्लावरिंग आएगा, ग्रोथ स्टार्ट करा है, फ्लावरिंग आएगा। अभी तो ये देखो ढक गया है, बहुत सारा पौधा रख दी हूँ मैं वहाँ पे, हटाऊंगी उन्हें भी, जगह कम है ना फ्रेंड्स। दिल्ली में रहते हैं हम, दिल्ली जैसी शहर में तो आपको पता ही है जगह की बहुत कमी होती है। हमारे तो पौधा लगाने की जगह है, हम इसी में बहुत खुश हैं, नहीं तो मेरा शौक मर जाता। बहुत शौक है मुझे पौधों का, देखो कितना अच्छा है ना ये। देखो हमारी वीडियो पूरा देखा करो, आपका गार्डन कभी भी सूना नहीं रहेगा, हमेशा पौधे से भरा हुआ रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है फ्लावरिंग, ज़रूर फ्लावरिंग रहेगा। और कटिंग से सीड से लगाया करो, कटिंग सीड से खूब सारे हो जाते हैं, पौधों की कमी नहीं होती, बहुत सीड लगा रखी हैं। तो फ्रेंड्स ये ज़रूर लगाओ, बहुत अच्छा प्लांट है, अपने गार्डन में इसको जगह दो, बहुत ही प्यारा प्लांट है, देखने में भी बड़ा ही खूबसूरत है, थोड़ा सा जगह लेता है, इधर उधर फैलता भी नहीं है ज़्यादा, इसे ज़रूर लगाओ। बोगनवेलिया भी लगाओ आप, देखो ये भी मैंने कटिंग से लगाया हुआ है, यह है हिबिस्कस, खूब फ्लावरिंग करता है ये भी, बहुत अच्छा प्लांट है, ज़रूर लगाओ। और ये देखो ये कोसकोम है, ये भी ज़रूर लगाओ अपने गार्डन में, इसको भी जगह दो। एक साल लगा लोगे तो सालों साल लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा प्लांट है ये। ये देखो कितना खूबसूरत है ना, ये देखो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, तो ज़रूर लगाओ। देखो कितना प्यारा हो रहा है ना, ये देखो बहुत सुंदर हो रहा है, ज़्यादा ऊंचा नहीं दिखा सकती, बहुत बड़ा हो चुका है ये, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है ये, देखो ये देखो बहुत सुंदर है। तो ऐसे ही आप भी लगाओ, बहुत प्यारा प्लांट है। और देखो कि स्टिक लगा के मैंने इसको खड़ा कर रखा है, ये देखो छोटे से गमले में, अरे खुद ही सीड झड़ के हुआ है, इसको मैंने लगाया नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगाओ, इतने कोने में थोड़ी मैं लगाऊंगी, लगाऊंगी तो बीच में लगाऊंगी ना, पूरा गमला खाली है, देखो कोने में निकला है ये, तो ज़रूर लगाओ। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।